आ रही है, खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये खबर आ रही है, सुकमा में हुए नक्सली हमले में शामिल नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। नक्सली कमांडर हिडमा ने सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले को अंजाम दिया था। नक्सली कमांडर हिडमा काफी दिनों से सक्रिय है, मार्च में सुकमा में भेजे हुए सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमले में उसका हाथ था। नक्सली कमांडर हिडमा पीएलजीए बटालियन 1 का कमांडर है और सुकमा के इन इलाकों में कई दिनों से सक्रिय है। खुफिया एजेंसियों ने नक्सली कमांडर हिडमा के लोकेशन का पता अभी तक नहीं वो लगा पाई है, क्योंकि वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर ले रहा है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जिन हथियारों को लूटा है उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल दोबारा सीआरपीएफ जवानों पर हमले के लिए कर सकता है। तो सुकमा दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है।